Hello, my dear children. Good morning. Today I have come with the last time. For the last time, this is you can say this is eighth time. And today I will end the chapter. Finish the chapter. The name of the chapter you know well. This is your chapter, history chapter, colonization of India. Now I will deal with judiciary. Judiciary means law system, courts, judges, lawyers, barristers, cases. These deal with judiciary. क्योंकि झगड़ा तो होता रहता है आपस में. जब कुछ कोई ना कोई आपस में तनाव होता है तो कोर्ट में ही जाते हैं. तब भी कोर्ट में जाते थे और कोर्ट में ही इसका फैसला होता था. जो न्यायिक प्रणाली है, न्यायिक व्यवस्था को कहते हैं जुडिशियरी. न्याय प्रक्रिया को कहते हैं, दैट इज कॉल्ड जुडिशियरी. प्रायर टू द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश, प्रायर मीन बिफोर, बिफोर द एडवेंट मीन्स कमिंग, बिफोर द ब्रिटिश केम, द जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया वॉज बेस्ड ऑन लोकल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. तो पहले न्याय व्यवस्था क्या था, अपने उसके ऊपर होता था. कोई अलग से कानून वगैरह लिखे हुए कानून, लिखित कानून नहीं थे. वो अपने विवेक के अनुसार जो जज है या सरपंच भी कह सकते हैं आप, उस टाइम सरपंच सिस्टम ज़्यादा था और ज़्यादा कोर्ट्स वगैरह थे नहीं. बाद में ही स्टार्ट हुए, ब्रिटिश में नहीं स्टार्ट किए. ज़्यादातर फैसले गांव लेवल पे ही करते थे सरपंच वगैरह, और मैं विवेक के करते थे, जो ठीक लगता था वो ही करते थे. कानून व्यवस्था वही थी. एंड देयर फोर देयर वॉज नो यूनिफॉर्मिटी, कोई एक रूपता नहीं थी. कानून लिखित कानून नहीं था, कोई एक रूपता नहीं थी. इसलिए न्याय व्यवस्था में जैसा लगा सरपंच को या जो भी हेड ऑफ देने वाला जज है उसको जैसा लगा वो ही उसका अपने दिमाग से, अपने जो अंतरात्मा से फैसला देता था. यही सिस्टम चलता रहा. लेकिन फ्रॉम 1772 ए न्यू सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस वेर इन टू कोर्ट्स. 1772 में नया सिस्टम आया, वहाँ पर दो कोर्ट हुए. एक दो कोर्ट मतलब दो तरह के जो मुकदमे जाने लगे, दो तरह के कोर्ट में. पहले तो एक ही कोर्ट होता था, वो भी ढंग का नहीं था कोई. लेकिन अब उनको दो कोर्ट को बोले गए. इनको एक का नाम क्रिमिनल कोर्ट दिया गया, जिसका नाम सिविल कोर्ट दिया गया. क्रिमिनल कोर्ट में इसको हिंदी में फौजदारी बोलते हैं. अगर जहाँ पर झगड़ा हो जाए किसी की, मतलब जहाँ मारपीट की नौबत आती है, फिजिकल जहाँ असॉल्ट होता है, वो होता है फौजदारी. कहीं खून खराबा हो गया, मारपीट हो गई, कुछ नियम भंग हो गया, उसे कहते हैं फौजदारी. और सिविल कोर्ट होता है दीवानी. जैसे प्रॉपर्टी का झगड़ा हुआ, प्रॉपर्टी के लिए कोई विवाद होता है, इफ देयर इज सम कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग प्रॉपर्टी बिटवीन टू ब्रदर्स, देन दे विल अप्रोच, दे हैड टू अप्रोच सिविल कोर्ट. तो इस तरह दो क्लियर कट डिवीज़न बन गए कोर्ट्स के. एक को बोला जाता है क्रिमिनल कोर्ट और दूसरों कहा जाएगा सिविल कोर्ट. वर सेटअप, इनकी स्थापना कर दी गई. द कोर्ट्स वर प्रिजाइडेड और बाई यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. अब जो सिविल कोर्ट्स है उसके बारे में ये कहा जा रहा है, इनका जो हेड होगा, मतलब जो जज होगा, जो इनका जो मुखिया जो होगा, जो प्रेजिडेंट होगा, प्रेजिडेंट बाय यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. तो आपको पहले ही बता देता, उस टाइम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते थे, डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड हो चुका था. तो जो डीसी है वो यूरोपियन ही होगा. तो जज जो कोर्ट जो है कलेक्टर के, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर में था. वाइल क्रिमिनल कोर्ट, अब जो जहाँ पे क्रिमिनल हो गया, जिसको हम कहते हैं फौजदारी, जो झगड़ा लड़ाई झगड़े का मामला हो गया, जहाँ कानून हाथ में लिया जाता है, वो अभी भी देसी लोगों के पास रहा, जिनको काजी और मुफ्ती कहा जाने लगा. काजी होता है सबसे बड़ा और मुफ्ती होता है उसके छोटा. ये सब आपके मुस्लिम के हिसाब से टर्मिनोलॉजी है, काजी एंड मुफ्ती. एज पर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ए न्यू सुप्रीम कोर्ट एंड ए सदर निजामात कोर्ट ऑफ अपील वर एस्टेब्लिश इन कोलकाता. कोलकाता में एक 1773 में एक न्यू सुप्रीम कोर्ट आया. क्योंकि उस टाइम देखिए इंडिया की कैपिटल कोलकाता थी ब्रिटिश टाइम में, ना कि दिल्ली. दिल्ली बाद में हुई. तो उस टाइम ब्रिटिश की थी कोलकाता, इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी कोलकाता में बनाया गया. एक सदर निजामात भी हुआ, एक कोर्ट अपील, जहाँ यहाँ पे छोटा कोर्ट है यहाँ पे अपील कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट से सर्वोच्च न्यायालय, हाईएस्ट कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट, वो था कलकत्ता में
और उसके छोटा नीचे जो कोर्ट है जहाँ अपील कर सकते, जहाँ हम अपील कर सकते हैं, मतलब मुकदमा वगैरह दायर कर सकते हैं, न्याय की गुहार लगा सकते हैं, उसको कहते हैं सदर निज़ामात कहते हैं। ये दोनों के दोनों कोलकाता में स्थापित किए गए 1773 में। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ यूरोपियन जजेस इन 1775 ए डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज एंड 1778 ए कोड ऑफ मुस्लिम लॉज वर प्रिपेयर्ड। तो देखिए ब्रिटिश लोगों को तो आती नहीं थी यहाँ के सिस्टम कल्चर वगैरह मालूम नहीं थे, और वो ब्रिटिश कलेक्टर हो अंग्रेज होता था, उनकी सुविधा के लिए एक डाइजेस्ट बनाएगी हिंदू लॉज की स्टडी करने के बाद, क्यों हमें काफ़ी जो हिंदू लॉज हैं हिंदू लॉज को पता होना चाहिए डिक्शन लेने के लिए, और मुस्लिम लॉज का भी पता होना चाहिए क्योंकि अलग अलग यहाँ पर उनको यूरोपियंस का आइडिया नहीं था, तो उसी के हिसाब से उनकी सुविधा के लिए फैसला करने में थोड़ी सहूलियत हो, ईजी पड़े फैसला करना, तो दे है डाइजेस्ट बना दिएगा, डाइजेस्ट नियमावली बना दी गई जो कि आपका हिंदू सिस्टम रीति रिवाज के बारे में और मुस्लिम के बारे में भी अलग से था। एंड ए कोड ऑफ मुस्लिम लॉज और प्रिपेयर्ड, तो एक मुस्लिम लॉ का एक कोड बनाया गया हिंदू और मुस्लिम का अलग अलग, वो 78 में बना, 1778 में मुस्लिम के लिए बना और 1775 के लिए हिंदूज के लिए बना, क्योंकि ब्रिटिश को पता नहीं था यहाँ के बारे में, फैसला देने के लिए नियम का पता होना चाहिए, कस्टम ये लॉस के बारे में पता होना चाहिए, तो ये हुआ। फाइनली इन 1883 लगभग 105 साल बाद जो आज का जो कहते हैं ना लॉ कमीशन बना वाज सेटअप, तो ये लॉ कमीशन बनने से काफ़ी मामला स्ट्रीमलाइन हो गया, काफ़ी स्टैंडर्डाइज हो गया, तो एक नियमावली लिखी गई और आईपीसी जिसको कहते हैं इंडियन पिनल कोड जो अब भी चलता है, ये जो लॉस पढ़ते हैं वो आईपीसी पढ़ते हैं, तो पूरा उसी दायरे में केस लड़ा जाता है, फैसला दिया जाता है, तो सब एक एक करके काफ़ी मतलब 1883 में ये आया लॉ कमीशन बना, और लॉ कमीशन बनने के बाद आईपीसी आई, इंडियन पिनल कोड आया, और उसे पूरी उसका लाया गया काफ़ी आपस में बातचीत करके, यहाँ के इंडिया के हालात देखते हुए यहाँ पे कौन सा नियम लागू करना चाहिए, कौन से कानून व्यवस्था लागू करनी चाहिए, एक एक धाराएं बोलते हैं, तो एक एक धाराएं हैं इंडियन पिनल कोड जो कि सबको पढ़ना पड़ता है, जो लॉ पढ़ते हैं, जो लॉ पढ़ के आगे बढ़ते हैं वकील बनते हैं या जज बनते हैं बाद में, तो उनको आईपीसी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ये आया था 1883 में। अब ये जुडिशरी ख़त्म हो गया, अब आइए आर्मी के ऊपर, उस टाइम आर्मी व्यवस्था कैसी थी, हम हिस्ट्री में यही पढ़ते हैं अलग अलग चीज़ों में, ब्रिटिश टाइम में कंपनी के टाइम में आर्मी की क्या सिस्टम था, तो अब से अलग था, अब जो जैसा अब हमारी आर्मी अब तो इंडिपेंडेंट है, उस टाइम आर्मी में क्या होता था वो हम देख लेते हैं। द ब्रिटिश रिक्वायर्ड ए लार्ज आर्मी टू डिफेंड इट्स ट्रेड एक्सपेंड एंड डिफेंड इट्स टेरिटरीज एज वेल एज पुट डाउन इंटरनल रेबेलियन। तो ब्रिटिश लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी और बड़ी आर्मी चाहिए थी जिसके अंदर जिससे कि वो अपना ट्रेड को फैला सकें, ट्रेड की रक्षा भी कर सकें, क्योंकि ट्रेड में खतरा विदेशों के बजाय जैसे आपने सुना है कि इनसे वार भी होते इनके साथ फ्रेंच के साथ, कर्नाटक वार्स हुए थे, तो पोर्चुगीज साथ भी होते, तो अपनी इनको आर्मी को स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ती और काफ़ी फौज मेंटेन करनी पड़ रही थी, वो तो आपने सुना ही है ये सब फौज वो राजा मेंटेन करते थे हिंदू राजा, इनको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता था, तो ये है ब्रिटिश को ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता आर्मी, उनको मेंटेन वही करते देसी राजा लोग करते। एक्सपेंड एंड डिफेंड इट्स टेरिटरीज, तो अपने टेरिटरी बढ़ाने के लिए हमला करना, टेरिटरी की बढ़ाना, इलाका बढ़ाने के लिए और अपने टेरिटरी की रक्षा करने के लिए इनको, और अपने व्यापार की रक्षा करने के लिए इनको लार्ज आर्मी व्यवस्था करनी पड़ी थी। और इंटरनल रेबिलियन, अगर अंदर अंदर कोई बगावत होती है, रेबिलियन बगावत विद्रोह होता, तो उसको कुचलने के लिए, उसको पुट डाउन करने के लिए, उसको वो करने के लिए, रोकने के लिए, दबाने के लिए आर्मी की बड़ी शक्ति जरूरत पड़ती थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी और बड़ी आर्मी मेंटेन करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। द ब्रिटिश आर्मी इंक्लूडेड यूरोपियन सोल्जर, देखिए वहाँ क्या था, जो यूरोपियन सोल्जर्स होते थे उसके अंदर, और इंडिया के इनको सिपाही बोलते हैं, जिसको हम सिपाही कहते हैं, इंडियन सिपाही,
तो हिंदी वर्ड सिपाही से सिपाही बोलते हैं, सिपाही SIPAHI, सिपाही का मतलब सोल्जर होता है इंडिया में, और सिपाही को अंग्रेज लोग सिपॉय बोलते थे, SEPOYS, तो सिपाही से हो गया सिपॉयज, तो सिपॉयज ने इनको सिपाही बोलते थे, और अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करके सोल्जर बोला जाता था यूरोपियन को, और इंडियंस भी यहाँ पे ले, क्योंकि यूरोप से इतना आदमी तो आ नहीं सकते, यहाँ पर लार्ज आर्मी थी, तो ये भी ब्रिटिश की सेवा करते, ब्रिटिश आर्मी की इंडियंस को मिलाया जाता, इनको सिपॉय के रैंक देते थे, छोटी रैंक लेते थे। तो बट इंडियंस कूड एट द मोस्ट बिकम सूबेदार, लेकिन यहाँ पे एक चक्कर था, इंडियंस ज़्यादा ज़्यादा तरक्की करके प्रमोशन होकर सूबेदार रैंक तक जा सकता था, सूबेदार के ऊपर वो उठ नहीं सकता था, लास्ट जब रिटायर करेगा, फौज से छूटेगा, वो सूबेदार रैंक पर रिटायर करेगा इंडियन अगर हो तो, लेकिन विदेशों के लिए जो यूरोपियन हो वो तो बहुत आगे तक बढ़ सकता है, जैसे आपको उस टाइम जो भी पोस्ट हो, जनरल हो या फील्ड मार्शल हो, वहाँ तक मेजर तो पहले ही होता था, मेजर और आप कर्नल, ये सब ये जा सकते, लेकिन सूबेदार पे अटक जाते इंडियन, ये तो आगे तक कहीं भी जा सकते थे ब्रिटिश जो यूरोपियन जो सोल्जर्स थे। बट ईच प्रेजिडेंसी हैड द इंडिपेंडेंट, आपको बताया था प्रेजिडेंसी के बारे में, कल भी आपको बताया था, तो हर प्रेजिडेंसी के अलग अलग आर्मी थी जो कि अपने आप में इंडिपेंडेंट थी, डिपेंड नहीं करती थी एक दूसरे पे, एक इंडिपेंडेंट आर्मी रखती थी प्रेजिडेंसी, तो प्रेजिडेंसी से बहुत अच्छा बचाव हो सकता था, क्यों उसे लोकलाइज हो गया ना प्रेजिडेंसी, ये बात है। द ब्रिटिश रिक्रूट्स पीजेंट्स एज सपॉयज एंड गेव देम यूरोपियन स्टाइल स्टेयरिंग, तो ब्रिटिश लोगों ने जो पेजेंट्स है, जो किसान लोग के सिपॉय के रूप में फौज में भर्ती किया, सिपॉय के हैसियत से फौज में किसानों को भर्ती किया, इंडियन किसानों को, और उनको यूरोपियन स्टाइल की ट्रेनिंग दी, बंदूक जो ये लड़ाई की या बंदूक की सारी जो फौजी ट्रेनिंग वो यूरोपियन ट्राइब टाइप की दी। फ्रॉम द 1820s दी कैवलरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज आर्मी डिक्लाइंड, देखिए 1820s में ऐसा हुआ कि कैवलरी, कैवलरी जो घुड़सवार सैनिक होते थे, घोड़े पे बहुत चलते थे, लेकिन धीरे धीरे रेल भी आ गई थी, काफ़ी कुछ यहाँ पे परिवर्तन हो गए थे, 1820 में जाके ये आपका इसकी रिक्वायरमेंट कम होगी कैवलरी की, कैवलरी मतलब घुड़सवार सैनिक की। देवर ट्रेन टू यूज मस्केट्स एंड मैचलॉक्स, ये पुराने तरह के बंदूक होती, लंबी बंदूक होते, पुराने आजकल बंदूक होते नहीं है, उसको मस्केट्स कहते हैं, और बारूद से चलने वाले बंदूक होते मैचलॉक्स बोलते हैं, जो मैच बॉक्स नहीं होता आपका, बारूद लगा होता है मैच स्टिक में, उससे वो मैचलॉक्स होते हैं, इस तरह की बंदूकें यूज होती थी, लेकिन उस टाइम वही मॉडर्न बंदूक कहलाती थी, तो फिर भी बंदूक थी वो। दिस वॉज वेन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी वॉज फाइटिंग वार इन बर्मा, ये लोग यूज़ करते, बर्मा में लड़ाई हुई थी आपको पता है, अफगानिस्तान में कल भी बताया था लड़ाई हुई थी, इजिप्ट में ये ब्रिटिश आर्मी जो लड़ी थी, यहाँ पर इनका इन लोगों ने मस्केट्स और मैचलॉक्स का इस्तेमाल किया था, और बहुत से इंडियन सोल्जर्स को इसमें ट्रेन कर दिया गया था, तो ब्रिटिश आर्मी दे कंसिस्टेड ऑफ इंडियन सोल्जर्स ऑल्सो, दे वर नोन एज सिपॉयज, दे वेंट अप टू द रैंक ऑफ सूबेदार, ये है। द सोल्जर्स हैड टू कीप अब्रेस्ट ऑफ द लेटेस्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वारफेयर, जो सोल्जर्स लोग हैं, जो सैनिक लोगों को जो नई नई तकनीक के बारे में पूरा उनको मालूमात होना चाहिए, उनको समझ आनी चाहिए, वो लेटेस्ट टेक्निक के बारे में पता होना चाहिए, वो हैंडल भी कर सके, ताकि तभी वो स्ट्रांग होगी आर्मी। द इन्फेंट्री रेजिमेंट्स नाउ बिकम पॉपुलर, इन्फेंट्री जो गोला बारूद लेके चलते हैं, जो लड़ाई के लिए आते हैं, गोला बारूद और तोपखाना वगैरह, इन्फेंट्री ये बहुत पॉपुलर हो गया। ए यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर वाज इंट्रोड्यूस इन द अर्ली 19th century, तो शुरू 19th century में एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर इंट्रोड्यूस कर दिया था, जिससे कि सोल्जर जो है वो ड्रिल वगैरह करना चाह लगे, वो PT वगैरह और बढ़िया डिसिप्लिन मेंटेन कर, पूरी ट्रेनिंग टाइप देने लग गए, अपार्ट फ्रॉम बंदूक चलाने के, अपना ये वो ड्रिल करना मतलब एक्सरसाइज करना, आपका परेड करना, ये सब चालू हो गया था, तो 19th century शुरू में। That regulated their life, उसको उनकी लाइफ जो आर्मी लाइफ, एक आर्मी का कल्चर अलग से बनना चालू हो गया था 19th century के शुरू में। However, some problems followed this change as caste and community feelings were not given priority when professionalism was introduced among soldiers. तो जैसे सोल्जर्स के बीच में जो प्रोफेशनल आता है, तो जैसे ऐसे कास्ट और कम्युनिटी को
सकता और जो नहीं दिया जाता। जैसे हम अब भी मानते हैं कोई धर्म को ज़्यादा धर्म या कास्ट सिस्टम इस फौज में नहीं चलता है, तो सब एक है, भारत माता की सेवा करेंगे। ऐसे उस टाइम में उस तरह कल्चर डेवलप होना चालू हुआ था। अब एक कंक्लूजन, पूरे चैप्टर का क्या निचोड़ निकला, इससे क्या निकला, बाय 1857 लार्ज टेरिटरीज हैड बीन डायरेक्टली ब्रॉट अंडर द ब्रिटिश रूल। तो जो कॉलोनाइजेशन दौर बहुत लंबा चला आपने पढ़ा, 1857 तक पूरा इंडिया लगभग ब्रिटिश के डायरेक्टली अंडर में आ गया था। बहुत से जो स्टेट्स थे प्रिंसली स्टेट्स थे वो भी अपने वो थे, वो भी ब्रिटिश की पपेट होके रह गए थे, कठपुतले होने को होके रह गए थे। तो लेकिन वो ब्रिटिश के इशारे के नाचते, उनके आर्मी मेंटेन करते, लगभग पूरे देश पे कंट्रोल हो गया था 1857 तक। दे ब्रिटिश ड्यू टू देयर पॉलिटिकल डोमिनेशन फ्रीली एक्सप्लॉयट इंडिया, बहुत इंडिया को उन्होंने एक्सप्लॉयट किया, यहाँ से काफ़ी कुछ चूस लिया इंडिया का, यहाँ पे जो भी सोने की चिड़िया है ना उसको पूरे पर काट चुके थे, काफ़ी कुछ अपना फ़ायदा दे दिया था अपने आप को, और पॉलिटिकली बहुत वो स्ट्रांग थे ही, ऐसा कुछ उन्हें किया। लेटर दिस इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन में क्रिटिकली एग्जामिन्ड बाय दादा भाई नौरोजी इन हिज वर्क पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया। तो दादा भाई नौरोजी शुरू के थे कांग्रेस के, जिनने सिखाया था, पॉलिटिकल गुरु थे गांधी जी के, सबसे स्टार्टिंग फ्रीडम स्ट्रगल, तो उन्होंने बड़े अच्छे एक बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इंडिया दादा भाई नौरोजी ने, उन्होंने इसमें पूरा काफ़ी कुछ बड़ा अच्छे व्याख्या दिया है, जो इनकी एक्सपेंशन जो फैलाने की पॉलिसी, कैसा लोगों को लूटा उसने, एक्सप्लॉयट किया इकोनॉमिक हमारा, तो उसके बारे में ब्रिटिश लोगों ने कैसा एक्सप्लॉयट किया, दैट ही हैड रिटन इन दिस बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया। द ब्रिटिश टुक एडवांटेज ऑफ द पॉलिटिकल डिसिबिलिटी एंड एस्टेब्लिश्ड देयर कॉलोनियल रूल इंडिया। तो हमारा यहाँ पर जो फूट का फ़ायदा उठाना उन लोगों ने, हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं, इसे बड़ा फ़ायदा उठाने के बाद दे एस्टेब्लिश्ड एक स्ट्रॉन्ग कॉलोनियल रूल इंडिया में, एस्टेब्लिश कर दिया था 1857 में। अब आप देखिए 1857 में फिर एक क्रांति आई थी, लेकिन 1857 तक इन लोगों ने काफ़ी लंबा चौड़ा इन लोगों ने इनने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो आपने देख लिया, तो आई हैव कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर, तो ये आपने अच्छी तरह पढ़ समझ लिया होगा, तो कहाँ से कहाँ तक ये चला था, तो ये आपका समझ लीजिए 1757 से पहले स्टार्ट हो गया था, थोड़ा पहले, बल्कि 1757 से मान सकते हैं, चलो पूरा 100 साल ये एक्सपेंड कर देगा, 1857 तक एक्सपेंशन लगभग कंप्लीट हो चुका था। तो पूरी इंडिया पर इन लोगों पर कैसे कैसे उन्होंने राज किया, ये हो गया पूरे चैप्टर का एंड। तो टुमारो आई विल डिस्कस विद क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। ओके, हैव ए नाइस डे, गुड बाय माई डियर चिल्ड्रन।